भाइयों आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। इसको या तो मोटिवेशनल वीडियो समझ लो या फिर वो वीडियो जिसको देखकर आपके तन बदन में आग लग जाएगी। लेकिन एक चीज तो पक्की है, अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको हसन की प्रक्रिया के ऊपर पूरा विश्वास हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर रैपर्स की। पता है सबने कॉमन का चीज है कि सबने गरीबी से स्टार्ट करा था, लेकिन अपने बनिए के दिमाग और मियां भाई की डेयरिंग की वजह से आज वो पूरी दुनिया के ऊपर रूल कर रहे हैं और वो दुनिया के टॉप 5 रैपर्स की लिस्ट में आते हैं। अगर आप हिप हॉप के फैन हो यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन बिफोर कॉमन रैपर्स की अगर आप आफ्टर सक्सेस की अनकॉमन स्टोरी सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा। और कहने की जरूरत नहीं, आप इतने स्मार्ट तो मुझे लगते ही हो कि ऐसे अमेजिंग कंटेंट को मिस ना करने के लिए आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लोगे और नोटिफिकेशन वाला घंटा भी टनटना दोगे। What's up, भाई बहनों, बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो तुम लोग? तो आज हम बात करेंगे उन रैपर्स की जो भले ही अपने रैप में पैसे की बात ना करें लेकिन उनके लाइफस्टाइल के हर कॉर्नर में पैसा बोलता है। दुनिया के 5th richest रैपर हैं, 210 मिलियन की नेटवर्थ के साथ द रियल स्लिम शेडी एमिनेम। इतनी नेटवर्थ उन्होंने महज अपने 20 साल के करियर में बनाई है। हिलशॉट रैपर के पास एक से एक महंगी चीजें हैं और उनमें से कुछ है उनका कार कलेक्शन। वैसे एमिनेम का कार कलेक्शन बहुत बड़ा है, लेकिन उनमें से जो कुछ महंगी कार्स हैं उनका नाम है बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी, फरारी 430 स्कुडेरिया, क्राइसलर 300 और फरारी 599 GTO। और यही नहीं, एमिनेम के पास दो महल साइज के मेंशन है। उनके एक मेंशन का प्राइस है 1.48 मिलियन डॉलर्स और उन्होंने अपना दूसरा मेंशन 2018 में 2 मिलियन डॉलर्स का सेल कर दिया। और इन बड़ी बड़ी चीजों के बारे में छोड़िए, एमिनेम का जो खाली कॉमिक बुक कलेक्शन है ना, वह आपके और मेरी जिंदगी भर की सैलरी से बहुत ज्यादा है। उनके सीक्रेट कॉमिक बुक कलेक्शन का बाकी सारा कलेक्शन साइड में रखो। उनके पास एक कॉमिक्स है जिसका नाम है अमेजिंग फैंटेसी नंबर 15। ये एक स्पाइडरमैन की कॉमिक्स है और एक्सपर्ट्स का स्पेकुलेशन है कि इसका प्राइस आज की डेट में अराउंड 1 मिलियन डॉलर्स तक हो सकता है। OMG! आई थिंक एमिनेम की वैल्यू दिखाने के लिए इतनी बातें काफी होंगी। वैसे लुकिंग एट हिज सक्सेस, क्या आपने कभी ये सोचा था कि वो 5th नंबर के रैपर होंगे? मुझे लगता था कि वो और भी अमीर होंगे। लेकिन अब ये सोचो कि अगर वो 5th में है तो नंबर 4th पर कौन है? और नंबर 4th की पोजीशन पर है 240 मिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ के साथ कान्ये वेस्ट। कान्ये को हाईएस्ट पेड हिप हॉप आर्टिस्ट ऑफ 2019 भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने सिर्फ 2019 में ही अराउंड 150 मिलियन डॉलर्स बना लिए हैं। कान्ये की इनकम का बहुत सारा शेयर उनकी म्यूजिक के सेल्स से आता है और उन्होंने फोर्ब्स के सामने ये भी रिवील करा कि उनका फैशन ब्रांड यीजी की 2019 में अराउंड 1.5 बिलियन डॉलर्स की सेल हुई। तो कान्ये की अमीरियत की शुरुआत करते हैं उनके 14 मिलियन डॉलर्स के घर से। कान्ये ने 1400 एकर्स में एक घर खरीदा है जिसमें एक लेक है, एक ऑफिस बिल्डिंग है, रेस्टोरेंट है, घोड़े का तबेला है और एक शूटिंग रेंज भी है। वैसे एक चीज बताऊं, उनकी टॉयलेट सीट्स भी गोल्ड की हैं। जी हाँ, कान्ये ने अपने घर में 4 प्योर गोल्ड की सॉलिड टॉयलेट सीट जो है वो इंस्टॉल कराई है, जो उनको टोटल 7,50,000 डॉलर्स की पड़ी। भाई ये तो इमेजिनेशन के भी परे है। वैसे जिनकी वाइफ किम कर्दाशियन हो उनको इतना तो कमाना ही पड़ेगा। कान्ये ने जो किम कर्दाशियन को एंगेजमेंट रिंग दी थी वो 14 कैरेट डायमंड की है और उसका टोटल प्राइस 4 मिलियन डॉलर्स बोलते हैं। और यही नहीं, उन्होंने अपनी बेटी नॉर्थ वेस्ट के लिए, जी हाँ भाई वो बड़े लोग हैं, वो कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो उनकी बेटी नॉर्थ वेस्ट का जब सेकंड बर्थडे था तो उन्होंने उसके लिए एज अ गिफ्ट कैरिबियंस में प्राइवेट आइलैंड खरीदा जिसका प्राइस है 12 मिलियन डॉलर्स। बताइए, एक हम थे जो बचपन में जीआई जो सेट और हॉट व्हील्स के लिए पूरे मोहल्ले में तांडव करते फिरते थे और यहाँ 2 साल के बच्चों को एज अ गिफ्ट प्राइवेट आइलैंड मिल रहा है। सही है भाई, सही है। हाँ तो महल हो गया, हीरे की अंगूठी हो गई, कैरिबियन में आइलैंड हो गया, बट हम ट्रैवल कैसे करेंगे? तो हम ट्रैवल करेंगे बोइंग के प्राइवेट जेट प्लेन में। जी हाँ, कान्ये के पास अपना 2 स्टोरीज ऊंचा बोइंग का 747 प्राइवेट जेट प्लेन है। इस प्लेन में 600 सीट्स होती हैं और इसको दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट जेट प्लेन भी कहते हैं। और आपके सीने में ये सुन के और भी जलन होगी कि उनको ये प्लेन एडिडास कंपनी ने उनके यीजी कोलैबोरेशन के लिए एज अ गिफ्ट दिया था। बताइए, एक हमारे ऑफिस वाले हैं कि हमको दिवाली पर डालडा में बने मोती चूर के लड्डू देकर टरका देते हैं और यहाँ कान्ये को गिफ्ट में प्राइवेट जेट प्लेन मिल रहे हैं। वाह। अब भैया, जिनके पास अपना खुद का प्राइवेट बोइंग जेट प्लेन हो उनकी कार्स के बारे में क्या बात करें? फिर भी मैं आपको उनकी कुछ महंगी कार्स बता देता हूँ जिनका नाम है बुगाटी वेरॉन, प्रॉम ब्राउन रेड डायमंड और लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर। उफ भैया, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये सोचिए कि दुनिया के 4th richest रैपर हैं, अभी तो 3, 2 और 1 बचे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अगर ये वीडियो अभी तक आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ ठीक है, वीडियो आगे बढ़ाता हूँ जल्दी से। तो अब बात करते हैं 3rd richest रैपर ऑफ द वर्ल्ड की। अपनी 740 मिलियन डॉलर्स की नेट वर्थ के साथ 3rd नंबर पर हैं पी डीडी, एके पफ डैडी, एके शॉन कॉम्स, एके लव, एके ब्रदर लव।
बताओ। बाप रे, लगता है इनका नामकरण जो है बचपन में ढंग से नहीं हुआ था। यार भाई अमीर आदमी है, जैसा मैंने पहले बोला था नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पे इतने सारे नाम कुछ भी कर सकते हैं। बड़े लोग है, बड़े बड़े लोग थे, बड़ी बड़ी बातें हैं। पर क्या आपने पॉप डैडी का नाम नहीं सुना है? भैया एक जमाने में बहुत बड़े रैपर थे, इन्होंने मराया कैरी और बिगी के साथ भी कोलैबोरेट करा है और एक प्लैटिनम सेलिंग एल्बम भी निकाली है। और इनकी एक्स गर्लफ्रेंड्स के नाम सुनकर तो आपको मजा ही आ जाएगा। उनके नाम है जेनिफर लोपेस, केट अपटन, कैमरून डियाज एंड पेनेलोप क्रूज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनकी नेट वर्थ है 740 मिलियन डॉलर्स, और इससे इन्होंने वो सब चीजें खरीदी जो मेरी और आपकी सोच के भी बहुत बाहर है। अगर आपको कान्ये का 14 मिलियन डॉलर्स का मेंशन महंगा लगा था तो जरा ये सुनिए। डिडी ने अपने लिए 2017 में 40 मिलियन डॉलर्स का एक मैंशन खरीदा। इस प्रॉपर्टी के ऊपर 1 acre का लैंड है जिसके ऊपर अराउंड 17,000 square foot में इनका घर बना हुआ है। तो चलो घर की बात कर लिया, अब जरा घर के अंदर की सजावट की बात करते हैं। डीडी ने 2018 में एक पेंटिंग खरीदी थी जिसका नाम था पास्ट टाइम्स, और ये पेंटिंग उन्होंने खरीदी 21.1 मिलियन डॉलर्स में। इस पेंटिंग को बनाया था जेम्स मार्शल ने, और इस पेंटिंग की कीमत को किसी भी जीवित अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्ट की सबसे महंगी पेंटिंग कहा जाता है। तो घर की बात हो गई, पेंटिंग की बात हो गई, अब जरा बात करते हैं इनकी कार्स की। अब इनकी कार तो छोड़िए, इन्होंने अपने 16 साल के बेटे के लिए एक मेबैक खरीदी थी जिसका प्राइस है $360,000। वैसे तो डीडी के पास बहुत सारी कार्स है, बट आपको मैं उनकी कुछ सबसे महंगी कार्स के बारे में बताता हूँ। तो डीडी के पास है फरारी 360 स्पाइडर, 1958 कॉर्वेट, जीप रैंगलर अनलिमिटेड, मेबैक, लेम्बोर्गिनी ग्लाडो स्पाइडर, रोल्स-रॉयस फैंटम ड्रॉपहेड कूप। और यही नहीं, अगर इनके अय्याशी की बात करी जाए तो इन्होंने अपने एक न्यूयॉर्क के कॉन्सर्ट में $500,000 की डायमंड्स की चेन अपने फैन को यूं फेक कर दे दी थी। ये लो, बस बस अब और नहीं हो सकता। ऊपर वाले क्या सिर्फ मेरी किस्मत पर लगाए तूने ताले यार, मतलब क्या हो रहा है यार। बस अब और इनके बारे में नहीं सुनेंगे, चलो अब नंबर 2 यानी कि सेकंड रिचेस्ट रैपर के बारे में बात करते हैं। तो दुनिया के सेकंड रिचेस्ट रैपर है 800 मिलियन डॉलर्स की नेट वर्थ के साथ आंद्रे रोमेल यंग एके डॉक्टर ड्रे। बॉस देखो, डॉक्टर ड्रे की लाइफ स्टोरी इनके गानों से कम नहीं है। उनके हिप हॉप की हिस्ट्री में आज तक का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर कहा जाता है। उन्होंने आर्टिस्ट लाइक स्नूप डॉग, टूपाक और एमिनेम के लिए प्रोड्यूस करा है। ये वही रैपर हैं जिन्होंने दुनिया के सामने जी फंक रैप इंट्रोड्यूस करा था, और इनकी हेडफोन कंपनी बीट्स को एप्पल ने $3 बिलियन में खरीदा था। तो इस भारी भरकम इंट्रोडक्शन के बाद जरा इनकी रिच लाइफस्टाइल को एनालाइज करा जाए। तो डॉक्टर ड्रे के पास भी अपना एक महल है जो उन्होंने $40 मिलियन में खरीदा था। ये मैंशन 14,000 acres का है जो ब्रेंटवुड कैलिफोर्निया में है। इस मैंशन में 5 bedroom है, 9 bathroom है, 6 garage है, स्टेट ऑफ द आर्ट जिम है और एक इन्फिनिटी पूल है। बताइए, एक हमारा घर है कि वहाँ पे ट्रेडमिल रखने की जगह नहीं होती, अगर रख दो तो बच बच के निकलना पड़ता है कि कहीं लड़ ना जाओ उससे। और इनके घर में स्टेट ऑफ द आर्ट जिम और इन्फिनिटी पूल, वाह वाह। और डॉक्टर ड्रे के पास खाली ये एक मैंशन नहीं है, उन्होंने 2015 में अपना हॉलीवुड हिल्स वाला मैंशन $32.5 मिलियन में सेल करा था। चलो अब इनकी कार्स की बात करते हैं। पफ डैडी की तरह इनके पास भी फ्लीट ऑफ कार्स है, बट उनमें से जो सबसे महंगी कार्स है वो है रोल्स-रॉयस फैंटम ड्रॉपहेड कूप, व्हाइट बेंटले कूप जो उनको एमिनेम ने गिफ्ट करी थी, क्राइसलर 300, बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी, हमर S2 एक्सेट्रा। तो जमीन पर तो हम दुनिया की सबसे महंगी कार्स में चलेंगे, बट हम फ्लाई भी स्टाइल में करेंगे। डॉक्टर ड्रे के पास भी अपना एक प्राइवेट जेट प्लेन है जिसका नाम है द गल्फस्ट्रीम 5, जिसको G5 भी बोलते हैं। इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू $36 मिलियन है, और ये बिजनेस जेट एयरक्राफ्ट है। इसमें टोटल 14 सीटें होती हैं, और ये आपको 12,000 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी फ्लाई कर सकता है। तो मैंशन हो गया, लग्जरी कार्स हो गई, प्राइवेट जेट प्लेन हो गया, अब क्या बचा? अब बची यॉट। जी हाँ, अब देखो ये तो नहीं पता है कि डॉक्टर रे के पास अपनी यॉट है या नहीं, लेकिन वो जब चाहे मेडिटेरेनियन में अब एक प्राइवेट यॉट में सेल करने जाते हैं, लाइक अ बॉस ब्रो। तो चलो बात करते हैं दुनिया के सबसे अमीर रैपर की, जिनकी नेटवर्थ है $1 बिलियन। जी हाँ, $1 बिलियन। उनका नाम है शॉन कोरी कार्टर, एके जे-ज़ी। जी हाँ, ऐसे तो पफ डैडी और डॉक्टर ड्रे दोनों ये क्लेम करते हैं कि उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन के आसपास है, लेकिन ऑफिशियली जे-ज़ी इज द ओनली रैपर जिनका एम्पायर $1 बिलियन का है। जे-ज़ी की इनकम का सबसे बड़ा शेयर आता है उनके लिकर ब्रांड एस ऑफ स्पेड शैंपेन से, उनके कोनियाक ब्रांड ड्यूसे से, और इसके अलावा उन्होंने दुनिया भर की चीजों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे कि उन्होंने ऊबर में $70 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करा है, और म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस टाइडल की ओनरशिप भी ले रखी है। उनके पास अपना
म्यूजिक कैटलॉग की सेल से बहुत पैसा आता है, आर्ट कलेक्शन से बहुत पैसा आता है और रियल एस्टेट कलेक्शन का तो कोई अंत ही नहीं है। याद है मैंने आपको बताया था कि कान्ये ने किम को $4 million की डायमंड की रिंग दी थी, यहाँ पर जेजी ने बियॉन्से को $5 million की रिंग दी है जो की 18 कैरेट एमरल्ड कट डायमंड की बनी है। सपना है भाई ये सब, तो सपना है। आपने ये गाना तो सुना होगा, लकड़ी की काठी और काठी का घोड़ा, लेकिन जब आप दुनिया के सबसे अमीर रैपर होते हो तो आप अपने बच्चों को लकड़ी बकड़ी की काठी से नहीं खिलाते हो भाई। जेजी ने अपनी बेटी ब्लू आईवी कार्टर को उसके बर्थडे के ऊपर सोने का घोड़ा दिया था। जी हाँ, उसने अपनी बेटी को सॉलिड गोल्ड रॉकिंग हॉर्स दिया था। ये उन्होंने जापानीज ज्वेलर गिंजा टनाका से डिजाइन करवाया था और इसकी कॉस्ट उनको $600,000 पड़ी थी। और यही नहीं, जेजी बियॉन्से के साथ ब्रुकलिन के बाकले सेंटर में हमेशा बास्केटबॉल मैच देखने जाते थे, और जब वो मैच देख रहे होते थे तो उनकी बेटी नीचे जो बच्चों की नर्सरी होती थी वहां पे खेलती रहती थी। तो उन्होंने क्या करा कि उस पूरी नर्सरी को ही रेंट कर लिया, जिसका रेंटल अमाउंट वो एक साल का $1 million देते हैं। अब इन सब बातों के बाद क्या मैं आपको उनकी कार कलेक्शन बताऊं? वैसे उनके पास कुछ महंगी कारों में से ये कार्स हैं, मल्टीपल रॉल्स रॉयस, टेस्ला मॉडल एस, पोर्श 911, बुगाटी, मर्सिडीज SLR, और उनके पास एक ऐसी कार भी है जिसका आपको तो पता नहीं लेकिन मैंने लाइफ में कभी भी नाम नहीं सुना था, और उसका नाम है पगानी जोंडा एफ। इसको दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव और रेयरेस्ट कार्स में से भी बोलते हैं। और इन भाई साहब ने भी अपनी वाइफ बियॉन्से के 29th बर्थडे पर उनको एक आइलैंड गिफ्ट कर दिया था। इस आइलैंड का प्राइस है $20 million। ये टोटल 2.5 एकड़ का आइलैंड है जो कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा के पास है। और याद है आपको डॉक्टर ड्रे का $40 million वाला मैंशन? अब जरा इनका सुनिए, इनका बेल एयर का कंपाउंड $88 million का है। इस कंपाउंड में 30,000 स्क्वायर फुट का घर है जिसमें 10,000 स्क्वायर फुट का लैंड एरिया भी है। और जेजी के घर में 8 बेडरूम्स हैं, 11 बाथरूम्स हैं, स्विमिंग पूल है, और फुल बास्केटबॉल कोर्ट है, और 15 कार गैराज हैं। भैया इसको कहते हैं पैसा इतना पता नहीं कितना वाली सिचुएशन। और ये सब तो ठीक है, लेकिन जेजी आर्ट लवर भी बहुत बड़े हैं। फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से उनका आर्ट कलेक्शन टोटल $70 million का है। और इन सब के बाद जेजी के पास एक $26 million का ईस्ट हैम्पटन में मैंशन है और ट्रम्प टावर्स में 5 बेडरूम वाला एक रेंटेड अपार्टमेंट भी है। बस अब और नहीं हो सकता, बंद करो भैया। मतलब अपनी गरीबी का असर मेरे दिमाग के ऊपर इतना कभी नहीं पड़ा था जितना इस वीडियो को बनाते टाइम पड़ गया है यार। तो भाइयों बहनों, ये था वीडियो दुनिया के 5 सबसे अमीर रैपर्स का। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इनकी शोहरत सुन के आपको जेलिसी नहीं बल्कि मोटिवेशन मिली होगी। और भाइयों बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करना और यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो। देखते हैं कि उनका रिस्पॉन्स क्या आता है, कि उनके हिसाब से कौन से 5 अमीर रैपर होने चाहिए थे और ये कौन से 5 निकले। और कमेंट में भी आप भी बताओ कि आपके हिसाब से क्या ये डिजर्व करते हैं दुनिया के सबसे बड़े 5 अमीर रैपर की पोजीशन लेने के लिए। और कृपया करके जरा थोड़ा समय 1 मिनट निकाल के जरा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर म्यूजिशियन से रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोज बना रखे हैं, इसके बाद जरा उन वीडियोज को भी चेकआउट करिए, हो सकता है कि आपके फेवरेट म्यूजिशियन की कोई बायोग्राफी आपको वहां मिल जाए। तो भाइयों बहनों, इस वीडियो में बस इतना ही, मैं अपना अगला वीडियो लेकर जल्दी वापस आऊंगा। टिल देन नया नया म्यूजिक सुनते सुनाते रहिए, अपने कानों को सस्ते संगीत से बचा कर रखिए और #म्यूजिक सुनाओ म्यूजिक बचाओ फॉलो करिए। अ फेक।